हमारे भोजपुरिया जितने भी स्टार हैं, चाहे वो खेसारी हो या फिर पवन सिंह हो या फिर हो दिनेश लाल यादव निरहुआ, सभी अगर किसी चीज से परेशान है, अगर उनके नाक में किसी ने दम करके रखा है तो कोई और नहीं उनके घर की लक्ष्मी उनकी पत्नियां ही हैं। जी हाँ, आजकल तो भाई सोशल मीडिया का जमाना है, कौन सी बात कहाँ छुपती है, अचानक आए दिन कोई न कोई कुछ न कुछ ऐसी बातें सामने आ ही जाती है जिसे ये लगता है कि हमारे भोजपुरिया स्टार बाहर ही नहीं भाई घर के अंदर भी काफी परेशान रहते हैं। तो चलिए आज हम बताते हैं कि किस तरह दिनेश लाल यादव निरहुआ अपनी पत्नी से परेशान है। आप ये कहेंगे दिनेश लाल यादव निरहुआ कभी किसी के सामने आते नहीं, ना ही मीडिया में कभी कोई इंटरव्यू दिया है, और तो और भाई उनकी तो चर्चा भी दिनेश लाल यादव निरहुआ नहीं करते। कभी गाहे बगाहे किसी इंटरव्यू में किसी ने पूछ लिया तो वो बात अलग है, लेकिन फिर वो किस तरह से परेशान रहते हैं। अरे भाई यही तो सबसे बड़ी परेशानी है उनकी कि वो अपनी बीवी को यानी अपनी धर्म पत्नी को कभी किसी के सामने नहीं लेकर आते, और हमेशा इनकी धर्म पत्नी को लेकर इनसे यही सवाल किया जाता है। और तो और दिनेश लाल यादव निरहुआ अपने इंटरव्यू में बोल बोल कर थक गए हैं कि उन्हें कोई परहेज नहीं है कि उनकी पत्नी जमाने के सामने आए, लेकिन उनकी पत्नी काफ़ी शर्मीले स्वभाव की है इसलिए लोगों के सामने आना पसंद नहीं करती, और मेरे बच्चों की परवरिश से लेकर हर एक चीज़ों में मेरे घर को बनाने में उनका बड़ा योगदान है। कि निरहुआ के फैंस इतने से भी कहाँ मानने वाले हैं, अब तो किसी की भी फोटो आती है निरहुआ के साथ अगर वो हीरोइन नहीं है तो लोग यही कह जाते हैं कि ये निरहुआ की पत्नी है, और बाद में निरहुआ को उसे क्लेरिफिकेशन देना पड़ता है कि ये मेरी पत्नी नहीं है, ये तो फलाना किसी काम से आई हुई थी या मैं इनसे मिला था, ये मेरी फैंस थी। ऐसी कई दलीलें देते दिनेश लाल यादव निरहुआ आपको कई इंटरव्यूज में दिख जाएंगे। हद तो तब हो गई जब दिनेश लाल यादव निरहुआ की बेस्ट फ्रेंड की पत्नी को ही दिनेश लाल यादव निरहुआ की पत्नी और उनके बच्चों को दिनेश लाल यादव निरहुआ के बच्चे बता दिए गए। तब जाके दिनेश लाल यादव निरहुआ ने ये लोगों से कहा कि ये मेरी पत्नी नहीं बल्कि भोजपुरिया काका अरुण सिंह की पत्नी है और ये उन्हीं के बच्चे हैं। मैं एक फंक्शन में गया हुआ था जहां इन दोनों ने मुझसे सेल्फी खिंचाने की गुजारिश की, फ़ोटो खिंचाने की गुजारिश की, तो मैंने भी जानते हुए इनके साथ स्वीट गेस्चर के लिए एक फ़ोटो खिंचवा ली, और अब लोगों को ये लगता है कि ये मेरी पत्नी है। तो ये रही दिनेश लाल यादव निरहुआ की दुविधा। अब बढ़ते हैं खेसारी लाल यादव की तरफ। अब आप ये कहेंगे खेसारी के जीवन में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर हम ये क्यों स्टोरी बता रहे हैं आपको। आपको याद होगा बिग बॉस के घर में जब खेसारी लाल यादव गए थे और वहाँ हिमांशी उनके नए लुक पर फ्लैट होकर उन्हें आई लव यू तक बोल दिया, तब उनके सामने खेसारी लाल यादव ने हाथ जोड़कर कहा कि मेरी पत्नी बड़े ही अलग दिमाग की है, वो कुछ और सोचेगी, और मुझे उसे बताने में यानी कि घर जाकर बताने के बाद काफ़ी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जिससे खेसारी के फैंस तो समझ ही गए होंगे कि काजल राघवानी, अक्षरा सिंह और भोजपुरी की कई हीरोइनों को लेकर क्यों खफा रहती हैं चंदा यादव। वैसे चंदा यादव की नाराज़गी भोजपुरी की कई हीरोइनों से दिखती है, तभी तो खेसारी के घर आपने मेंशन किया होगा अभी तक काजल राघवानी, अक्षरा सिंह और भोजपुरी की कई बड़ी हीरोइनों को नहीं देखा गया है ते हुए। और सबसे बड़ी मुसीबत इस वक्त पवन सिंह के लिए कोई है तो ज्योति सिंह। जी हाँ, ज्योति सिंह की फ़ैन फॉलोइंग पवन सिंह की भी फ़ैन फॉलोइंग से आगे होने वाली है। इंस्टाग्राम पे 3 लाख फॉलोवर है उनके, और पवन सिंह की यही सबसे बड़ी मुसीबत है। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह किसी हीरोइन से कम नहीं है। अगर आप उनके स्टाइल की बात करेंगे तो OMG, जी हाँ बहुत ही उम्दा स्टाइल है उनकी। लेकिन पवन सिंह की मुसीबत कहाँ से शुरू होती है? अब आप ये कहेंगे आज के ज़माने में अगर किसी को इतनी स्टाइलिश पत्नी मिलती है तो उसे तो खुशी होना चाहिए, फिर इसमें उसकी नाराज़गी कहाँ से दिखती है? तो हम आपको ये बता दें, यही पवन सिंह की सबसे बड़ी नाराज़गी है। ज्योति सिंह बोल्ड है, बिंदास है, आज के ज़माने की है, तो अपनी कोई भी बात वो अपने तक नहीं रखना चाहती, अपने ऊपर रहे किसी भी अत्याचार को वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ तक कि उनके साथ कुछ भी गलत हुआ है उसे सोशल मीडिया पे शेयर करना वो गलत बिल्कुल नहीं समझती। अपनी समस्याओं को वो सभी के सामने रखना चाहती हैं। अब आपको ये बता दें, यही बड़ी समस्या पवन सिंह के लिए हो गई है। अभी पिछले दिनों ज्योति सिंह ने
अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ ऐसा लिखा कि अगर आप लेट शादी करें बहुत अच्छा है, लेकिन किसी गलत आदमी से शादी ना करें। उन्होंने कुछ दिनों तक ज्योति सिंह का इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट करवा दिया। कुछ दिनों में प्राइवेट रहने के बाद ज्योति सिंह ने जब वापस इंस्टाग्राम पर वापसी की तो आप देखेंगे कि उसमें सबसे बड़ा बदलाव ये था कि वो जितने लोग को फॉलो करती थी सभी को छोड़कर सिर्फ पवन सिंह को फॉलो कर रही थी, और अभी तक उन्होंने जितने भी फोटो पोस्ट किए थे सभी को डिलीट कर दिया। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनके जाके सर्च कर देख लीजिए। यानी जितने हमारे भोजपुरिया स्टार्स के कारनामे फेमस हैं ऑल ओवर इंडस्ट्री में, उतने ही कारनामे भोजपुरिया स्टार्स की पत्नियों के भी फैले हुए हैं। यकीन है आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।